दोस्तों आपका स्वागत है मॉडर्न करियर लॉन्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मॉडर्न करियर लॉन्चर में। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऑल ऑथर्स एंड देयर स्टोरीज। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो हमारे पार्ट वन में जो है वो देखे होंगे, उसमें समझे होंगे, याद भी किए होंगे। तो उसी को अगला पार्ट जो हम लोग लेकर आए हैं, पार्ट टू लेकर आए हैं। तो अगर हमारा जो वीडियो है अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ऑल राइटर्स एंड डियर्स स्टोरीज। तो देखते हैं कि कौन सा राइटर जो है उनका स्टोरीज कौन सा है, उसका राइटर कौन है। तो हमें ये सब जो राइटर्स होते हैं, ये सब जो है लगभग आपको जो एग्जाम में, जो इंटर के एग्जाम में जो है 20 से 25 नंबर तक पूछे जाते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे याद करना ही बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका जो यूज, इसका जो एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। अगर आपको कोई स्टोरी लिखना हो तो उसमें भी आपको पूछा जाता है। तो इसे याद करना बहुत ही जरूरी है, नॉन नेसेसरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करना है और किस तरह से याद करना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने लिखा ऑल राइटर्स एंड देयर स्टोरीज, मतलब जितने लेखक हैं उनके लेखक और उनके जो स्टोरीज में कहानियां हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इंग्लिश बुक्स। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश बुक्स है इसका मतलब आप ब्रिटिश बुक्स भी लिख सकते हैं, ब्रिटिश बुक्स भी लिख सकते हैं। चलो, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि परीक्षा में जो है, आपके एग्जामिनेशन में जो है, कभी कभी ऐसे पूछता है कि राइट द फाइव ब्रिटिश राइटर्स ने, राइट द फाइव इंग्लिश राइटर्स ने। तो ऐसे स्थिति में हमको ये तो याद करना ही है, साथ में हमको ये भी याद करना होगा कि आपको याद रखना होगा कि इंग्लिश बुक्स कौन सा है, इंग्लिश राइटर कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में आपको इससे भी पूछ सकता है और इससे भी पूछ सकता है। तो आपको जरूरी है कि ये भी याद रखें और ये भी याद रखें। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है द वेस्ट लाइन। तो द वेस्ट लाइन का है कौन, टी एस एलियट। दूसरा नंबर में है द टावर। तो द टावर के जो राइटर्स हैं वो कौन है, डब्ल्यू बी एट्स। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर में क्या है, द सन राइजिंग। तो द सन राइजिंग के जो राइटर्स हैं वो है जॉन डॉन। अगला है आपका नेक्स्ट जो है द टाइगर। तो द टाइगर के जो राइटर्स राइटर हैं वो है विलियम ब्लाइट। नेक्स्ट आपका क्या है, द स्कॉलर जिप्सी, जिसके राइटर जो है मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट है द सेंटर ब्यूरिटल्स। तो द सेंटर ब्यूरिटल्स के हैं कौन, चौसर। चल नेक्स्ट देखते हैं पार्स प्लोमैन। पार्स प्लोमैन के जो है राइटर कौन है, वो है लाइनलैंड। उसके बाद है द फायरी क्वीन। द फायरी क्वीन के जो राइटर है वो कौन है, स्पेंसर। अगला है द पैराडाइज लॉस्ट। तो उनके लेखक जो है मिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैट फ्लैकनो। तो मैट फ्लैकनो का जो राइटर है उनका नाम क्या है, तो ड्राइडन। चलिए आगे देखते हैं क्या है, इसे हम मिटा देते हैं।